वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3। तो चलिए हम अपने इस इंजन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले ही से मैंने एक लोड उठाया हुआ है, जिसको अब आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, क्योंकि ट्रकर्स ऑफ यूरोप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मतलब इसको हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रक को बढ़ा रहा हूँ, सनलाइट ऊपर से निकलती हुई सूरज की जो किरणें वो ट्रक्स पे पड़ रही हैं, और इतना ब्यूटीफुल ट्रक लग रहा है। ये पूरा सीनरी जो है बहुत अच्छे डिजाइनर्स ने बनाया है। मैं तो ट्रकर ऑफ यूरोप 3 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको खेलने में। ये एक मॉडी पी के शायद मैं ज़्यादातर मॉडी पी के ही खेलता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे अनलॉक्स करने होते हैं स्टेजेस, और मुझे हर तरीके के ट्रक्स भी चाहिए होंगे, तो इस तरीके से मैं मॉडी पी के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आप लोगों को भी मॉडी पी के पसंद है, और हाँ तो अगर इसके मॉडी पी के चाहिए होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, मेरा स्पीड अभी 42, 43, 44, 50 तक मैं एवरेज में रखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मॉर्निंग के टाइम में अभी चल रहा हूँ, और पीछे हमारे लंबे लाइन लगी हुई है। ये पास हो गया, अरे रुक जा। तो हम बहुत सेफ्टी ड्राइविंग करनी है, हम यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हमें मैं बाहर के लुक आउटर कैमरा मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, कि इतना ज़बरदस्त सीन क्रिएट हो गया है ना, कि ट्रक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। मतलब समझो कि मैंने एक्चुअल में ये ट्रक ऐसा रोड पे देखा है, मुझे बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट ट्रक मैंने रोड पर देखा है, और ये ट्रक मैं एग्जैक्ट गेम में खेल रहा हूँ। अगर ये ATS 2 रहता ना, मतलब गैस मैंने टो ट्रक मंगवाया, और टो ट्रक से मैंने अपनी ट्रक को सीधा करवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से ड्राइविंग करने वाला हूँ। पता नहीं यार, कोई ग्लिच था यार, या फिर उसने मुझे पीछे से ठोका है। मैं तो ठीक ही चल रहा था, ये बात अलग है कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैं ठीक चल रहा था यार। अब मेरे आसपास भी कोई गाड़ी नहीं थी, पता नहीं क्या था, कैसे हुआ पता नहीं चल पाया, कैसे हुआ। अच्छा, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा हूँ। चलो तो मैं अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करता हूँ यार। और यहाँ पे तो अभी बहुत बड़ा एक टनल है, टनल में तो बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई हैं, और ये बहुत काफ़ी लंबा टनल दे दिया है। थोड़ा इरीटेट लगता है, लेकिन इतना लंबा टनल नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे 100 के बेस स्पीड में कंडक्टर काम आगा मेरा, अरे आई नहीं यार, लगता है वो इधर ही उधर उतर गया होगा। तो यहाँ पे 100 की स्पीड पे भी जाओगे ना तो भी तुमको 2 मिनट लग ही जाता है इस टनल को पार करने में। देखो ऐसा लगता है जैसे कि टनल सामने से दिख रहा है, लेकिन टनल को इतना लंबा बनाया गया है ना कि यह टनल दिखने के बाद भी अच्छा खासा पार होने में टाइम लेता है, कि जबकि मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ। 60 के स्पीड से चलना कोई मामूली खेल नहीं है। अभी मैं उसी के स्पीड से चल रहा था तो मेरा ट्रक एक्सीडेंट कर गया था। मैं दोबारा बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से टो ट्रक बना मंगाना पड़ेगा, और मुझे फिर से वहाँ से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल गेम में फीचर तो अच्छा है कि अगर मैं टो ट्रक की सर्विस ले सकता हूँ, ताकि मैं जहाँ पे हूँ वहीं से कंटिन्यू अपने गेम को कर सकता हूँ। ये देखो टो टनल जो है वो पार हो चुका है, और अब हम 106 से 8, 9, 10, 11, 12 की स्पीड पे चल रहे हैं। आगे में बहुत ही रश मिलने वाला है दोस्तों। अब रश के पे हमें बहुत ही संभल के
ड्राइविंग करना होगा क्योंकि यहाँ पे लंबी ट्रैफिक लाइन लगी हुई है। ओहो, ये तो मैंने पार कर लिया, ये बस भी पार हो पाएगा क्या? टर्निंग के टाइम में ऐसा ही टर्निंग पे बस आ जाता है ना कि एकदम लगता ही लगता है, लेकिन मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा 105 से। मुझे अगर ब्रेक नहीं लूँगा ना तो क्रैश कर जाएगा मेरा, एकदम गाड़ी क्रैश कर जाएगा और फिर और दिक्कत हो जाएगा, फिर इधर उधर पूरा डैमेज हो जाएगा। तो उससे बेहतर है ब्रेक लेकर स्पीड कम कर लो। जब भी कंट्रोल से बाहर हो रहा था यार मेरा गाड़ी, कंट्रोल से बाहर हो रहा था, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो फिर एकदम हवा में उड़ जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे लिए ये ट्रक बहुत ही मुझे प्यारा ये ट्रक है और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी और खरोच वगैरह आए। मैं इसे बहुत ही प्यार से चलाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे से इसको रखना। देखते हो यार, मैंने बहुत ही पर्पल पेंट किया है इसको और मैंने व्हील्स में भी, व्हील्स अलॉय भी अच्छा लगाया है। मैं इसको और भी मॉडिफाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट गेम प्ले में मैं इसको मॉडिफिकेशंस करूँगा। और आप भी मुझे कोई कलर सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट गेम प्ले में इसका कौन सा कलर रखूँ, तो मैं आपके अकॉर्डिंग कलर इसमें चेंज कर दूँगा जैसा कलर आप गेम प्ले देखना चाहते हैं। तो मेरा स्पीड हो गया है 76 और 77 के स्पीड के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से रश आ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ट्रैफिक है यार। इसमें ट्रैफिक भी काफ़ी दिया है, मतलब ETS2 का एकदम मोबाइल वर्जन है यार। अगर ETS2 इसको कहीं ढूंढ रहे हो ना कि मोबाइल में मिल जाए, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट ETS2 है मोबाइल के लिए, एक नंबर है, एकदम E2Z फीचर दिया है। ट्रक भी यार एकदम सस्पेंशन, एकदम एक्चुअल सस्पेंशन दिया है यार, एकदम सारा सा ब्रेक कराता है तो ट्रक भी चलने लगता है। चलो यार, यहाँ पे रेलने का टाइम है, मारो लहरिया लेके। ओहो, यहाँ पे तो मैप में टर्निंग दिखा रहा था, अब तो मुझे टर्निंग लेना पड़ेगा। हाँ, टर्निंग लूँगा तब न जाके, नहीं तो अभी तो पूरा लंबा लंबा रेल लेता, और टर्निंग में तो 100 की स्पीड से टर्निंग थोड़ी ले सकता, मुझे हवा में थोड़े उड़ना है 100 के स्पीड पे। तो वो शायद एरोप्लेन सब टर्निंग लेता होगा, ये तो ज़मीन की गाड़ी। देखो यार क्या एक्चुअल व्यू यार, गज़ब, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है कि मैंने इतनी खूबसूरत तरीके से अपने ट्रक्स को सजाया है, मैंने पेंट किया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, आप लोग भी बताना कि आपको ये ट्रक्स का कलर अच्छा लग रहा है या नहीं। ये कितना अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है यार, दोनों तरफ से घास है, पेड़ पौधे और खेत है, और बीच से मेरी येलो और पर्पल मिक्स बन जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब ग्रास का भी कलर इन्होंने बहुत ही परफेक्टली शेक बनाया है यार, कहीं पे से लगता नहीं है कि कोई नकली है। बहुत सारे गेम्स में मैंने देखा है कि अजीब सा लगता है, जैसे लगता है जैसे कि कोई पेंट चढ़ा दिया हो, लेकिन यहाँ पे लग ही नहीं रहा यार, एकदम लग रहा है एक्चुअल में यार, एक्चुअल का सीन है ये, एक्चुअल एकदम है, मतलब रियलिटी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई मूवी टाइप देख रहा हूँ, कोई मूवी टाइप में मैं चला रहा हूँ, मुझे मूवी का कंट्रोल मिल गया है, मैं उसमें ट्रक चला रहा हूँ। रोड का कलर भी, शेडो वगैरह, ब्रिज सब यार एकदम अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़बरदस्त गेम बनाया जिन्होंने भी बनाया यार, बहुत ज़बरदस्त। देख रहे हो ट्रक का मतलब कंट्रास्ट भी अच्छा दिया है, ट्रक का स्पीड भी, कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसमें। एक चीज़ बहुत अच्छा दिया है मुझे बहुत सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी रही इसमें, मुझे एक्चुअल में एक टू जेड चीज़ें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक चीज़ और भी मुझे और बेस्ट लगता है कि मुझे जो एक्सीलेटर का जो बटन दिया है वो मुझे सॉफ्टनेस के साथ दिया गया है, जिसमें कि मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाऊँ आगे, जैसे मैं थम अगर प्रेस करूँगा तो हर गेम में होता है कि पूरा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टनेस दिया गया है, मतलब जैसे एक्चुअल में आप लोग जो फूल देख रहे हो यार, एकदम ओरिजिनल, एकदम रियलिस्टिक लगा यार, रियलिस्टिक एकदम, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा जब ये धूल हल्का सा टायर पड़ा तो धूल उड़ने लगा। अरे ट्रक, इसमें ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट में भी है, बट उसमें उससे ज़्यादा इफेक्ट इसमें था। देखते हैं ट्रक को पीछे से देखो, दाएं बाएं से देखो, साइड से व्यू लो, बैक आधा बैक व्यू लो, कहीं से भी देखोगे तो ट्रक्स एक्चुअल में वही ट्रक्स लगते हैं जो हम लोग एक्चुअल में रोड्स पर देखते हुए आ रहे हैं। ऐसे ट्रक्स मैंने बहुत देखा है, डिलीवरी का ट्रक्स मेरे पर, मेरे हाईवे से जाता है तो मैं देखता हूँ, एग्जैक्ट ट्रक रहता है यार, मुझे देख के लगता है यार ये तो मैंने गेम प्ले में खेला है। रुक जाओ, मुझे अब यहाँ पे कहीं पे पार्किंग एरिया ढूंढना होगा। चलो ठीक है, वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ। देख लिया मैंने,